ट्रेड यूनियन के आह्वान पर देश भर में हड़ताल। अपनी कई मांगों को लेकर केंद्रीय श्रमिक संगठनों के एक दिन की हड़ताल का आह्वान करते हुए आज भारत बंद का ऐलान किया है। श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज 26 नवंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। एक दिन की इस हड़ताल में तमाम विभागों के संगठनों ने अपना अपना समर्थन दिया है। इसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने भी शामिल होने की घोषणा की है। हालांकि भारतीय मजदूर संघ ने इस हड़ताल में शामिल होने से मना कर दिया है। ट्रेड यूनियन ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ नए कृषि कानूनों को निरस्त करने, 100 दिनों के बजाय 200 दिन रोजगार सहित अन्य मांगों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। भारत बंद में बैंक, बीमा और रेलवे के निजीकरण का भी विरोध किया जा रहा है। इस देशव्यापी हड़ताल में 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और राज्य के कर्मचारी संगठन समेत संगठित और असंगठित क्षेत्र के संगठन भी शामिल हो रहे हैं। एक दिन की इस हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने आज बैंक बंद रखने का ऐलान किया है। बैंक कर्मचारी नए श्रम कानूनों का विरोध कर रहे हैं। गूगल पे से मनी ट्रांसफर पर देना होगा चार्ज, देखें सच क्या है। गूगल का पेमेंट ऐप गूगल पे इन दिनों अपने एक निर्णय से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कंपनी ने कुछ दिन पहले एक घोषणा की कि यूजर्स को 2021 में मनी ट्रांसफर करने पर चार्ज देना होगा। जब भी वो किसी को पैसा ट्रांसफर करेंगे उसमें कुछ ना कुछ पैसा काट दिया जाएगा। लेकिन गूगल ने हाल ही में एक रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि भारत में यूजर्स को अपने पेमेंट प्लेटफॉर्म पर मनी ट्रांसफर के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। कंपनी ये चार्ज 2021 से अमेरिका के यूजर्स के लिए लगाएगी। गूगल पे यूजर्स को मोबाइल या वेब पेज के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। हाल ही में कंपनी ने अपने वेब ऐप को बंद करने की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार पैसा भेजने या प्राप्त करने के लिए अब pay.google.com का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। मनी ट्रांसफर के लिए अब लोग सिर्फ गूगल पे ऐप का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही गूगल ने साफ किया है कि गूगल पे के सपोर्ट पेज को भी अगले साल जनवरी से बंद कर दिया जाएगा। बता दें, जब आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेजते हैं तो राशि पहुंचने में 1 से 3 दिन लगते हैं, वहीं डेबिट कार्ड से फौरन ट्रांसफर हो जाता है। खासू फीचर्स के साथ टोयोटा ने भारत में लॉन्च की नई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारत में आधिकारिक तौर पर नई इनोवा क्रिस्टा लॉन्च की है, जिसकी कीमतें 16.26 लाख रुपए शुरू है। इस कार के टॉप मॉडल की कीमत 24.33 लाख रुपए है। फेसलिफ्ट मॉडल के दो नए एक्सटीरियर कलर शेड्स स्पार्कलिंग ब्लैक और क्रिस्टल शाइन में 3 ट्रिम्स और 2 इंजन ऑप्शन में पेश किया जाएगा। वेरियंट के अनुसार ये नई क्रिस्टा फेसलिफ्ट 30,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक महंगी होगी। जानिए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा में क्या क्या फीचर्स हैं। इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट में पहले की तरह ही BS6 2.4 लीटर का डीजल इंजन है, जो 148 BHP का पावर और 360 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा, जो 164 BHP का पावर और 245 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। साथ ही दोनों इंजन में 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को जोड़ा जाएगा। कार को नए अपडेट के साथ फेमिलियर इंटीरियर लेआउट मिला है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ एक नए स्मार्ट प्लेकास्ट टच स्क्रीन ऑडियो और ZX संस्करण में एक नया कैमल टैन असबाब ऑप्शन तक सीमित है। अब कार चलाने वाला या बैठने वाला व्यक्ति कनेक्टिविटी सुविधाओं जैसे रियल टाइम वाहन ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, पार्क लोकेशन और ऑप्शन एसेसरीज के रूप में कई और ज्यादा आनंद ले सकता है। वाहन 7 सीट और 8 सीट लेआउट दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है। 2021 इनोवा क्रिस्टा के टॉप ट्रिम पर लेदर सीट्स मिलती हैं। इसके अलावा अब इंफोटेनमेंट सिस्टम को वॉल्यूम कंट्रोल और अन्य कामों के लिए डेडिकेटेड बटन मिल रहा है। हाई वेरियंट में स्टैंडर्ड रूप में फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं। बुकिंग शुरू हो गई है, अगर आप भी इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं और आने वाले हफ्तों में डिलीवरी शुरू हो जाएगी। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।